हेलो दोस्तों, आज हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे और मध्य प्रदेश का बजट 9 मार्च 2022 को जो प्रस्तुत हुआ था उसके लिए एक यह स्पेशल वीडियो है। और अभी 19 जून को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है मध्य प्रदेश पीएससी का, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे बजट के बारे में। तो जो बजट के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 9 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बजट कुल बजट था 2,69,237 करोड़ का। ठीक, ये अमाउंट भी याद रखिएगा, कभी कभी एमपीपीएससी जो है इस तरह से आंकड़ों वाले क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये जो बजट था ये था 2,79,237 करोड़ का। अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए, राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के लिए जो अनुमानित है वो है 52,511 करोड़, 52,511 करोड़, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है। ध्यान रखना, 4.56%। अगर 15वें वित्त आयोग की बात किया जाए तो 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा होना चाहिए, जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, उसकी सीमा 3.5% रखी गई है। तो अगर यहाँ पे हम तुलना करें 3.5% और 4.56 का, तो ये जो डिफरेंस है लगभग 1% का है। कितना? 1% का। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है और यह बजट 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक और बालिकाओं के उत्थान हेतु खर्च किए जाएंगे। और सरकार ने बजट के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर याद रखिए आप लोग, 57,803 करोड़, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, किन के लिए? 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं के लिए। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की अगर बात किया जाए, NHFS 5, तो इस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 956 हो गया है और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के 22 जिलों में, ध्यान रखना है, 22 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। ठीक है, तो जो सेक्स रेशियो वो 956 हो गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 42 जिलों में यह योजना संचालित है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में की बात की जाए तो मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किए हुआ स्टेट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में मध्य प्रदेश को तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापना प्रस्तावित है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 108 फीट है और यह स्टैच्यू ऑफ वननेस का प्रतीक बनेगा। क्या? ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। इसके साथ ही यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का वेदांत पीठ भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वेदांत पीठ कहां पे? ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत परिवार औसत रोजगार लगभग 55 दिवस 55 डेज का रहेगा और मनरेगा का बजट 2021-22 की तुलना में 75% 75% बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बजट में 3,500 करोड़ रुपए मनरेगा का बजट कर दिया गया है। हेरिटेज संपत्तियों के संरक्षण के लिए जो पर्यटक स्थल हैं, जैसे ताजमहल भोपाल, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो ताजमहल वो भोपाल की बात की जा रही है, गोविंदगढ़ रीवा में है, राजगढ़ पैलेस तथा माधवगढ़ सतना में है, इसके डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, निजी निवेशक हैं, उनको ये साइटें जो हैं वो लीज पर दी जा रही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक युवा एवं पौ साक्षरता दर को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर, ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम का क्या नाम है? नव भारत साक्षरता प्रोग्राम। इसके साथ में एक नई योजना जो है स्टार्ट की गई है, अनुगुंज, ध्यान रखिएगा,
नई योजना का क्या नाम है? अनुगुंज। तो अनुगुंज है क्या? यह है सरकारी स्कूलों में संगीत नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुगुंज योजना चलाई जा रही है। ओके, अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु देवारण योजना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में जो है इसका जिक्र किया गया है। देवारण योजना के माध्यम से औषधि और एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब सुगंधित पौधे, ठीक है। तो औषधि एवं एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो योजना का क्या नाम है? देवारण योजना। नेक्स्ट, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को नैक के द्वारा NAAC, ठीक, नैक के द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना का विकास कर 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क की बात किया जाए तो इसको भोपाल में स्टेबलाइज किया जा रहा है, ठीक है, भोपाल में यह तैयार किया जाएगा। इसके साथ में सागर, साजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट भी लगाने की बात की जा रही है। कहां पे? सागर, साजापुर और उज्जैन में। साथ ही में मेडिकल डिवाइस पार्क की मंजूरी मिली हुई है उज्जैन में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे लगाए जाने की बात की जा रही है तो उज्जैन में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में यह बात की गई है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। कितना? 31%। इससे जो है लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। MP में नए 22 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। कितने? 22 मेडिकल कॉलेज। इसके साथ में सिंगरौली में माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे? सिंगरौली। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात कर ले। नर्मदा एक्सप्रेसवे का विस्तार अनूपपुर जिले से प्रारंभ होता है, ठीक है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, जहां से नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल है। और ये अनूपपुर जिले होते हुए डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी होते हुए अलीराजपुर जिले तक MP में ये फैला है। तो मतलब MP के 11 जिले, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कवर करती है तो 11 जिले हैं। और ये आगे चल के गुजरात में प्रवेश करेगा। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। भोपाल के बगरोद और बैरसिया, भोपाल के बगरोद और बैरसिया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिए कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना भी भोपाल में की जाएगी। बुरहानपुर जिले को हर घर को नल जल, ठीक है, हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही, यह पहला जिला बन गया है, ठीक है, जहां पे 100% नल के द्वारा जल की उपलब्धता कराई जा रही है। तो बुरहानपुर जिला जो है वो प्रदेश का पहला जिला है जहां पे हर घर को नल जल की सुविधा प्राप्त है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता आज की डेट में 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कितनी मध्य प्रदेश की क्षमता है तो इस फील्ड में 5100 मेगावाट, ठीक है, फिलहाल में। इसके साथ में पर्यटन स्थल सांची, पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, ठीक है, 6300 करोड़। सिंचाई क्षमता की अगर बात की जाए तो ये एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर, ये जो आंकड़ा है ये याद रखिएगा, 65 लाख, ठीक है, तो 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है, इरिगेशन कैपेसिटी। तो सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग बार बार देखिएगा, इसके इफेक्ट को जो है मेमोराइज कीजिएगा और 19 जून को अच्छे से पेपर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।